पहली चीज़ सेंसिटाइज और दूसरी चीज़ है सपोर्ट। ये सेंसिटाइज भी क्यों करना है, अभी आपने कुछ दिन पहले सुना होगा इंदौर या भोपाल में कहीं की घटना है जहाँ पे रेजिडेंट डॉक्टर ने एक एड्स मरीज को थप्पड़ मार दिया था, काफ़ी बवाल हुआ था, स्ट्राइक हुई थी, सस्पेंड हुआ था वो डॉक्टर। तो बेसिकली हमको ये समझना है कि जो एड्स से पीड़ित मरीज है वो कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसको हाथ लगाने से या उसके पास खड़े होने से वो बीमारी हमको फैल रही है, कोविड जैसा हाल नहीं है उसका। तो लोग अगर अपन सुन लेते हैं कि ये मरीज एड्स का है तो अपन दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। तो बेसिकली ये सेंसिटाइज करने का पर्पज है इसके माध्यम से कि जो एड्स का मरीज है आप उसके पास आराम से खड़े हो सकते हैं, आराम से बातचीत कर सकते हैं, हाथ मिला सकते हैं। जो चीज़ नहीं करनी है वो चीज़ पता होनी चाहिए कि आपको ब्लड लेते समय ग्लव्स का इस्तेमाल करना है, डबल ग्लव्स का इस्तेमाल करना है ना। तो ये चीज़ें आपको सेंसिटाइज करने का पर्पज है इस कार्यक्रम के माध्यम से। दूसरा, जो एड्स का मरीज है वो ऑलरेडी घर में आइसोलेटेड हो दिया जाता है, उसको घर में ऑलरेडी मान लिया जाता है कि अछूत टाइप का है, तो उसके साथ कैसे सपोर्ट किया जाए ये आपको सिखाया जाएगा कि उसके फैमिली वालों को आप समझाएं इस बीमारी के बारे में, कौन सी चीज़ डू एंड डोंट, क्या उसके साथ करना चाहिए, प्यार के साथ उसको बोलना चाहिए, उसको मोरल सपोर्ट देना चाहिए, और जो नहीं करना चाहिए वो उसको बताना चाहिए। तो इस तरह से ये कार्यक्रम का उद्देश्य केवल यही है कि आप इसके थ्रू एड्स कम्युनिटी जो है उसके प्रति आप सेंसिटाइज हों, उसको लिए सिंपैथी रखें। इस तरह से नहीं जैसे वो पीड़ित डॉक्टर ने उसको थप्पड़ मार दिया एड्स मरीज को सिर्फ इसलिए कि उसने नहीं बताया, तो ये तो हमको पता होना चाहिए ना। कोई भी मरीज़ अगर आता है हम पहले से ही अगर ग्लव्स पहन कर रखें तो हमें किसी से खतरा ही नहीं, तो हम अपनी गलती की सजा उस मरीज़ को क्यों दें, वो तो ऑलरेडी पीड़ित हैं। तो ये पर्पज होता है कार्यक्रम को कि हम सेंसिटाइज हों, फिर जो पेशेंट है उसके लिए सिंपैथी रखें और उसके सपोर्ट करें। तीसरा चीज़, वैसे मेरा खुद का ये मानना है कि ये सब चीज़ें तो स्कूल टाइम में पढ़ानी चाहिए हमको, कॉलेज टाइम में नहीं। तीन एजुकेशन स्कूल टाइम में देनी चाहिए, एक तो मेंटल हेल्थ जिसको लेके हम लोग बड़े मन में वो लेके रखते हैं, किसी को अगर बोल दिया कि इसको साइकेटिस्ट को दिखा दो तो समझते नहीं ये तो कोई पागल थोड़ी हुआ है, जबकि अमूमन हर कोई डिप्रेशन और टेंशन का शिकार होता है। तो ये चीज़ हमें स्कूल में ही सिखानी चाहिए। दूसरा, सेक्स एजुकेशन, जो हमें स्कूल में ही बताना चाहिए कि सेफ सेक्स क्या होता है। अगर वो चीज़ आपको स्कूल में बता दें तो आगे जाके इस तरह की एड्स जैसी बीमारी कभी हो ही ना। लेकिन सोसाइटी हमारी जिस तरीके से ट्रेडिशन फॉलो करती है, हम सेक्स एजुकेशन को लेके घर में भी बात नहीं करते, स्कूल में भी बात नहीं करते। तो एक तीसरी एजुकेशन एक अलग हटके है जो मेरे मन की है कि जो बच्चों को हर किसी को पता होना चाहिए, वो है फाइनेंशियल एजुकेशन। आपके पास जॉब है ना हो, लेकिन आप अपनी फाइनेंशियल सिक्योर कैसे करेंगे, मेरे दिमाग में अभी बैठे बैठे आया, एक एजुकेशन प्लान इनका करेंगे अपन, फाइनेंशियल एजुकेशन, ताकि आपके अंदर अभी से अपने आप को कैसे अपने आप को सिक्योर करो, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हो, आपका टर्म इंश्योरेंस हो, जब आप क्योंकि आपका तो लंबा करियर है, 12 से 15 साल पहले आप जॉब में आने वाले नहीं हो, प्रैक्टिस में आने वाले नहीं हो, तो तब तक अगर बाकी आपके जो कलीग हैं उनकी तुलना में तो आप बहुत पीछे हो जाओगे। एक फाइनेंशियल एजुकेशन अपना अभी से बना के रखना चाहिए कि हमको कैसे अपना रिटायरमेंट प्लान करें कि हम आप 60 साल की उम्र पे आप जो है अपने आप को सिक्योर मानेंगे कि आपको काम भी ना करना पड़े और आपकी जेब में पैसा बना रहे। तो ये तीन एजुकेशन आइडियली स्कूल टाइम में होनी चाहिए, जो अब कॉलेज टाइम में दी जा रही हैं ठीक है, देर से सही दी जा रही है, अच्छी बात है। तो एक प्लान जो है डॉक्टर अनिल तुम कर सकते हो इसमें, एक फाइनेंशियल एजुकेशन का प्लान सारे बच्चों का करो, ठीक है, नेक्स्ट टाइम पे, ठीक, हाँ ठीक, ओके, यही कहना था हमको। बाकी तुम्हारे को किसी भी बच्चे को कुछ भी ऐसा लगता है कि कॉलेज में ये चीज़ होनी चाहिए, कोई भी आइडियाज आपके दिमाग में आता है तो प्लीज़ आप अपने HOD के माध्यम से या मुझसे डायरेक्ट या डॉक्टर अनिल, जो भी आपके डॉक्टर साठ है जो आप लोगों के बीच में काफ़ी लोकप्रिय हैं, आप इनको दीजिए और मेरे तक पहुँचाइए, मैं ज़रूर उसको इम्प्लीमेंट करूँगा। ओके।